हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलास्टिसिटी के बारे में कुछ एमसीक्यूज देखने वाले हैं। तो पहले हम इलास्टिसिटी क्यों पढ़ रहे हैं, फर्स्ट हमें उस इफ़ यू नो व्हाई वी आर स्टडिंग इलास्टिसिटी, देन इट विल बी बेटर, हमें वो समझ में आ जाएगा। तो अभी हम इलास्टिसिटी जैसे बोलते तो हमारे माइंड में आता है कि रबर बैंड्स या वेस्ट बैंड, जो हाथों में हम जो बैंड्स डालते हैं। एक्चुअली स्पीकिंग अगर हमने साइंस में बोला जाए तो अगर कोई भी लेमैन को हम जब पूछते हैं कि रबर मैन इलास्टिक है या स्टील है, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बताएंगे कि दैट रबर बैंड इज मोर इलास्टिक। बट एक्चुअली अगर तुम उसके स्ट्रक्चर में जाओगे एंड इफ यू सी, देन द स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि रबर इलास्टिक है या स्टील है, तो तुम्हारा आंसर ये होना चाहिए स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। तो आगे चलते हैं, हम ये देखते हैं कि इलास्टिसिटी का एप्लीकेशन हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा है। अब जैसे डिज़ाइंस बनाई जाती है, कौन सा डिज़ाइन, जो बिल्डिंग्स बनाई जाती है, या जब डिज़ाइन कभी भी जब हम कोई बिल्डिंग या कोई स्ट्रक्चर का जब बनाया जाता है, तो हमें पहले एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होता है कि इट शुड बी सेफ एंड स्टेबल। बहुत साल तक वो चलना चाहिए और सेफ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने बिल्डिंग खड़ा कर दिया और दो दिन में बिल्डिंग गिर गया। सो वी विल वो कैसा होना चाहिए डिज़ाइन सेफ और स्टेबल होना चाहिए। तो हमारा जो इलास्टिसिटी का जो एप्लीकेशन है वो हम हर जगह यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमारा रूफ जब गिरा है, हमारे जब बिल्डिंग होते हैं, तो हम जब रूफ़ बनाते हैं तो रूफ में भी हम बहुत सारे बीम्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दैट बीम्स में भी उसे हम इलास्टिसिटी वाला ही हम इलास्टिक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। और भी एप्लीकेशंस है, तुम जो ओवर ब्रिज देख रहे हो या स्काईज हो, हमारा जो क्रेन सिस्टम है, अब क्रेन जो सिस्टम है वो क्या करता है, लोड को लिफ्ट करता है और लिफ्ट करता है। तो जब वो लोड को लिफ्ट करता है तो वो कुछ पर्टिकुलर वायर्स यूज़ करते हैं एंड दैट वायर्स पर भी थियोरी ऑफ इलास्टिसिटी पे ही वो लोड को उठाया जाता है। ऐसा नहीं है कि लोड कोई हम 10 टन्स उठा रहे हैं और 5 किलो वाला वायर से हम 10 टन को उठा पा रहे, ऐसा नहीं है। हमें वहाँ पर उसके पूरे इलास्टिसिटी के प्रॉपर्टीज़ जो हम आगे देखेंगे वो अप्लाई करने के बाद ही हम पर्टिकुलर वायर स्टील वायर यूज होता है। फर्स्ट है स्ट्रेस। अब स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस इज इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अब इंटरनल फोर्स, जब भी हम किसी बॉडी पे हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जब मैं फोर्स अप्लाई करूँगी तो उसके अंदर एक रिएक्शन फोर्स जनरेट होता है, उस रिएक्शन फोर्स को बोलते हैं इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स। जब ये इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स डिवाइड बाई हम एरिया करेंगे तब मुझे स्ट्रेस मिलेगा। तो अब ये क्या है, इट इज़ रेशियो ऑफ फोर्स अपॉन एरिया। तो जब फोर्स अपॉन एरिया है तो उसका SI यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और उसका CGS यूनिट होता है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेकंड है हमारे इसमें स्ट्रेन। अब स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन होता है हमारा जो फ्रैक्शनल चेंज, जब मैंने एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया तो क्या हो गया, उसका जो डायमेंशन है वो थोड़ा सा चेंज हुआ। तो अब ये क्या है, फ्रैक्शनल चेंज इन द डायमेंशन ऑफ द बॉडी, ठीक है, वो एक छोटा सा फ्रैक्शनल चेंज हुआ बॉडी पे, तो इसका डिफिनेशन होता है स्ट्रेन इज डिफाइंड एज चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन। जितना चेंज हुआ उसको अगर मैंने ओरिजिनल डायमेंशन के इसे डिवाइड कर दिया तो मुझे स्ट्रेन जितना प्रोड्यूस हुआ है मैं वो देख सकती हूँ। अभी स्ट्रेन के कुछ डिविजन्स है, टाइप्स है। तो स्ट्रेन जो है वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज़ लीनियर या लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन बोला जाता है, दूसरे को वॉल्यूम में अगर चेंज है तो वॉल्यूम स्ट्रेन बोला जाता है, और थर्ड एंगल में चेंज है तो उसको शीयर या शीयरिंग स्ट्रेन बोला जाता है। फर्स्ट हम देखते हैं लीनियर स्ट्रेन, लीनियर या लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है। अगर मैंने किसी बॉडी यानी लंबे से बॉडी पे मैंने अप्लाई किया फोर्स और उसके अगर लेंथ में चेंज हुआ है तो उसे बोलते हैं लीनियर या लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, अगर मैंने चेंज लेंथ को डिवाइड किया ओरिजिनल लेंथ से तो मुझे मिलेगा लीनियर या फिर लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। एक ही चीज़ है, लीनियर भी बोलते हैं या फिर लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन भी बोलते हैं। और ये डायमेंशन ऊपर चेंज इन लेंथ है यानी उसका जो यूनिट है, और नीचे वाले का ओरिजिनल लेंथ है यानी चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट डायमेंशन। तो इसका जो SI यूनिट है या CGS यूनिट में ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अब हम वॉल्यूम स्ट्रेन देखते हैं तो वॉल्यूम स्ट्रेन क्या है, इफ़ आई अप्लाई एनी फोर्स एंड इफ देर इज़ अ चेंज इन वॉल्यूम, देन चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ दैट बॉडी इज कॉल्ड एज वॉल्यूम स्ट्रेन। अगेन दिस इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी।
नाउ द लास्ट वन इज शीयर और शीयरिंग स्ट्रेन. इसे डिफाइन किया जाता है एंगुलर डिफॉर्मेशन. ये क्या है, एंगल में जो डिफॉर्मेशन आता है उसे हम शीयर या फिर शीयरिंग स्ट्रेन बोलते हैं. एंड नाउ लास्ट इस पार्ट का लास्ट जो है वो दैट इज़ हुक्स लॉ. वेरी इंपॉर्टेंट इसमें एक वर्ड है, विद इन इलास्टिक लिमिट. अगर तुम विद इन इलास्टिक लिमिट नहीं बोलते हैं देन हुक्स लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल. तो बच्चे यूजुअली एग्जाम्स में विद इन इलास्टिक लिमिट लिखना भूल जाते. तो वेरी इंपॉर्टेंट है यू स्टार्ट विद इन इलास्टिक लिमिट ऑफ मटेरियल. मटेरियल के विद इन इलास्टिक लिमिट अगर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल, स्ट्रेस क्या है, प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के बराबर, देन ये जो प्रोडक्ट देन ये जो रेशियो है इट इज़ इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट. अब ये कांस्टेंट का दूसरा नाम है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल सकते हैं हम उसको, या फिर हम इलास्टिक कांस्टेंट्स बोलते हैं, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल भी हम बोलते हैं. सो इसी कांस्टेंट स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और इट कैन बी कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल. थैंक यू.